के बेरोजगार पढ़े लिखे नौजवानों के साथ। मेरा नाम अली मोहम्मद जान है, काकापोरा से आए हैं। ये ब्लॉक काकापोरा के यहाँ पर मजदूर हैं, रेत मजदूर, जिला पुलवामा से हम आए हैं कि हमारी रेत मजदूरी बहाल हो। ये रेत मजदूरी पिछले दो महीनों से बंद पड़ी है। जहाँ तक जानकारी मिल रही है, ठेकेदारों और सरकार के बीच में जो है आपस में अनबन है और जो है नहीं कर पा रहे हैं वो इसका कोई हल, और जिससे जो है तकरीबन लाखों जो है जिला पुलवामा के बेरोज़गार नौजवान पढ़े लिखे जो ये रेत मजदूरी करते थे वो इस वक्त बेरोज़गार हो गए हैं। और घरों में जो है फाका कोशी की नौबत आ चुकी है। हम अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पा रहे हैं, हमारे पास बच्चों के लिए फ़ीस के पैसे नहीं है, खाने पीने के लाले पड़े हुए हैं। सब जानते हैं कई सालों से बंद है, एक ही काम बहाल था कश्मीर में वो यही था, हड़ताल में किसी चीज़ में हम रेती मजदूरी करते थे। ये भी दो महीने से जिला पुलवामा के बॉर्डर्स में जो दरिया आता है वो बंद किया गया है, जिसमें सिर्फ 5 ठेकेदार हैं, एक डिप्टी कमिश्नर साहब है उधर से। बस ये मसला नहीं हल पा रहा, मसला हल होता हम मजदूर मजदूरी करते, हम कहाँ जाएंगे? बोलिए आप ही सर हमारे को इंसाफ दिला दीजिए, हम इंसाफ चाहते हैं। हम इसलिए अपील कर रहे हैं गवर्नर साहब से, हम अपील कर रहे हैं डिविजनल कमिश्नर कश्मीर से, हम अपील कर रहे हैं वजीर आजम हिंद से कि वो इस मामले को लेकर जो है इसमें हमें इंसाफ दिलाए। यहाँ से जाने के बाद अगर यहाँ हल नहीं हो पा रहा है, इंशाअल्लाह ताला दूसरा जो है इसका एडिशन होगा वो जंतर मंतर पर ही होगा। आपको मालूम होना चाहिए कि यहाँ पे जो डेली वेजर्स कैजुअल लेबर्स मुख्तलिफ महकमों में काम कर रहे हैं, खासकर महकमा पीएचई में जो डेली वेजर्स कैजुअल लेबर्स काम कर रहे हैं, पिछले कई महीनों से वो तनख्वाहों से महरूम है, उनकी जो रेगुलराइजेशन है वो पेंडिंग है, मिनिमम वेज एक्ट पेंडिंग है। आए रोज हमारे लोग एहतजाज कर रहे हैं, खुदकुशी का रोजाम बढ़ता जा रहा है। हमारे डेली वेजर मोहम्मद रियाज ने पूंछ से जो महकमा पीएचई जम्मू में काम कर रहा था उसने आज मजबूर होकर कर्ज के बोझ तले दब चुकने के बाद उसने खुदकुशी कर ली, और उसका उसकी जो लाश है अभी जम्मू पीएचई चीफ इंजीनियर्स ऑफिस में पड़ी हुई है। हम कह रहे हैं कि उसके अफराधी खाना में से 5 बच्चे छोड़ के गया है, वो अयाली कसीर है, टिन शेड में रह रहा है वो। सरकार से हमारी अपील है, एक तो उसके घर में से एक फर्द को सरकारी नौकरी दी जाए और कंपनसेशन दिया जाए, जिन लोगों ने उसको मजबूर किया है इस चीज के लिए उनके खिलाफ 302 के तहत मुकदमा चलाया जाए। मेरा नाम जावेद अहमद भट्ट, हम बेसिक हॉर्टिकल्चर ट्रेनिंग वाले, यहाँ हमारा आज तीसरा दिन प्रोटेस्ट चल रहा है रिगार्डिंग विड्रावल ऑफ ऑर्डर। ऑर्डर क्या था वो, हमारे जो एडवर्टाइज निकला था हॉर्टिकल्चर टेक्नीशियन ग्रेड 4 पोस्ट, जिसकी एलिजिबिलिटी थी 10+2 विथ 1 ईयर बेसिक हॉर्टिकल्चर ट्रेनिंग। सुक्वासिस के कुछ ग्रेजुएट्स और मास्टर्स वाले ने प्रोटेस्ट किया कि हमें भी इसमें एलिजिबल रखो, मगर इसके उनके लिए ऑलरेडी पोस्ट निकला था अंडर लेवल 6 पोस्ट, जिसका नाम था सीनियर हॉर्टिकल्चर टेक्नीशियन। वो बोल रहे कि हमारे पोस्ट 2007 से कोई पोस्ट नहीं निकला कि हमें भी इसमें एलिजिबल। तो फिर रेडियोलॉजी के जो पोस्ट ग्रेजुएट्स हो गए तो वो भी फिर प्रोटेस्ट करेंगे, हमें भी एलिजिबल रखो एक्सरे टेक्नीशियन के लिए। और जो मास्टर्स इन वेटनरी साइंस के ग्रेजुएट मास्टर्स हो गए तो वो भी बोलेंगे कि हमें भी एलिजिबल रखो वेटनरी फार्मेस्ट और स्टॉक असिस्टेंट के लिए। तो इज़ इट पॉसिबल? इसके लिए ऑलरेडी रिक्रूटमेंट रूल आया है 2002 में कि इस पोस्ट्स के लिए सिर्फ और सिर्फ 10+2 विथ 1 ईयर बेसिक हॉर्टिकल्चर फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट अप्लाई करेंगे। एसएसबी ने ऑलरेडी इसके लिए एडवर्टाइज निकाला था, तो एडमिनिस्ट्रेशन ने ऑलरेडी रेफर किया था ये पोस्ट्स, आइटम नंबर जिसका नाम था हॉर्टिकल्चर टेक्नीशियन 4। तो बट निपोटिज्म की वजह से एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि यह आइटम नंबर विड्रॉ करो और वो जो सीनियर हॉर्टिकल्चर है वो अपने ही पोजीशन पे रखे। अरे डिमांड यही है जो एडमिनिस्ट्रेशन हॉर्टिकल्चर एडमिनिस्ट्रेशन ये ऑर्डर निकाला, इसको रिवोक करो तभी ये फार्म भर। मेरे जो वर्कर्स हैं उन्होंने फिर से मुझे एक जिम्मेदारी सौंपी है, और इसका जो है मुझे एहसास है क्योंकि जो हमारे हालात हैं इस वक्त वो बहुत ही मुख्तलिफ हैं और बहुत मुश्किल हैं, बड़े चैलेंजेस हैं रियासत के सामने। और पीडीपी जिसका जन्म ही हुआ है जम्मू कश्मीर के जो हालात को ठीक करने के लिए, जम्मू कश्मीर के मसले के हल के हवाले से, वही हमारा एजेंडा रहेगा जो मुफ्ती साहब का विजन रहा है कि जम्मू कश्मीर को जंग का अखाड़ा नहीं बल्कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान
के बीच में एक अमन का पुल बनाने की कोशिश रहेगी। इंशाल्लाह पहले भी करते रहे और आगे भी करते रहेंगे। वो अपना काम करेंगे, मुझे अपना काम करना है। मुझे लोगों के जो पे जुल्म है, मजालिम हो रहे हैं, एक बाप अपने बच्चे की लाश मांगता उसको नहीं दे रहे हैं, दूसरी जगह एक बच्चे का अगवा होते होते लोगों ने रोक दिया, तो ये तमाम मुश्किल हैं इसको जो जम्मू कश्मीर के लोग फेस कर रहे हैं। तो मैंने तो ये बात करनी है, तो अगर आईजी साहब का उसकी अपनी ड्यूटी है, अगर उनको लगता है कि ये बातें जो है कोई कानून के खिलाफ कर रही हूँ मैं और इसके लिए उनको मुझे अरेस्ट करना है, तो वो अपनी ड्यूटी करें, मैं अपनी ड्यूटी करूँगी। स्टेटहुड तो मरकजी सरकार ने देना है, वो तो महबूबा मुफ्ती ने नहीं देना है ना। ये खुशकिस्मती है हमारी कि हमारा वर्कर वहीं खड़ा है जहाँ पर वो पहले था। वर्कर हमारे बागे नहीं है, यही वजह है कि हमने कुल 61 सीट्स लड़ी DDC में और तकरीबन 30 सीटें हमने जीती। तो इसका मतलब है कि PDP कहीं ना कहीं लोगों में अभी भी जिंदा है, और जो लोग जो सीनियर लीडर भाग गए हैं वो वर्कर अपने साथ नहीं ले सकते हैं।